अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आज मैं अपनी फसल में आया हुआ था। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है। ये अल्लाह ही है कि जो ज़मीन में से मक्की में से फसलों को उगाता है। ये कनक की फसल आप देख रहे होंगे मेरे कैमरे में, ठीक है। तो हम इसमें बीज बोते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इसमें से गंदम उगाती है। ये अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इस ज़मीन में से हमें फसल देती है। हमें ज़मीन में से तरह तरह के अनाज मिलते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये फसल उगी हुई है, कनक की फसल इसे कहते हैं। हम यहाँ बीज बोते हैं, किसान सारा साल मेहनत करता है इसके ऊपर, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको उसका फल देती है, उसको इसका अनाज मिलता है जो लोग खाते हैं, ठीक है। ये अल्लाह ही की कुदरत है। मेरे आप आसपास देख रहे होंगे ये सारी फसलें हैं, वो गन्ने की फसल उगी हुई है, ये वाला कनक है, ज़्यादा यहाँ पे कनक है क्योंकि ये मौसम उसका चल रहा है। यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अल्लाह की कुदरत बताऊँ लोगों को, कि अल्लाह ताला की ज़ात की देखे नेमते देखे। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है, फाबी अई आला रब्बी को मात कजीबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुतलाओगे। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ नेमत अता की है। सबसे बड़ी नेमत यह कि अल्लाह ताला ने हमें तंदरुस्ती अता की है, एक इंसान को पैदा की है, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह की सब्जियाँ दी हैं, तरह तरह के खेत दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें ऐसे नवाजा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरे कैमरे में, और ये जो हम यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी। मैं आपको ये जो है ना थोम, इसे पंजाबी में हम कहते हैं, ये देखें ये उगा हुआ है। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला हमने इसमें जिस केक लगाई थी वो जो थोम की एक होती है उसे लगाया था, और यहाँ पे अभी ये गुच्छा निकलेगा। ये कौन कर रहा है, ये कौन इनको बना रहा है, ये अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरे में देख रहे होंगे, ये मैंने एक इसे ना गोंगलू कहते हैं पंजाबी में, ठीक है। ये मैंने उसको ना निकाला है, ये आप हम सब्जियों में भी यूज़ करते हैं, आपको पता है हम इसको सब्जियों में भी यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे इसका बीज लगाया था, हमने बीज बोया था, हमने इसको पानी दिया है, इसको जो भी हैं जिसको जो अद्वियात हैं ये दी हैं, और ये देखें इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं। ये किसने पैदा फरमाया, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हम सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें हर चीज़ अता की है जो इंसान को चाहिए। मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे याद आया कि मैं चले छोटा सा बताता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, कि अल्लाह ताला की हमारे पास नेमतें कितनी ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे भी एक छोटी सी जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे अल्लाह ताला की मुझे बेशुमार नेमतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये फसल उगी है, गंदम उगी हुई है, ये शलजम की फसल है, वो वहाँ पे भी फसल उगी हुई है। ये जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाते हैं, ये किसने पैदा फरमाई है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, हम उनको शुमार ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, फबी अय्यी आलाई रब्बी को मात कजीबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुतलाओगे। रे नेमत है इतनी ज़्यादा, हम किस किस को गिनेंगे, गिनती में आती नहीं है इतनी ज़्यादा नेमतें हैं। और आपको बताने का मकसद ये है सब कुछ, कि ये अल्लाह ही का करम है, अल्लाह ही ने हमें सब कुछ अता किया है, अल्लाह ही है जिसने दोनों जहानों को पैदा फरमाया, और अल्लाह की ज़ात ही है जिसने चिरिंद परिंद हर तरह की फसलें पैदा फरमाई हैं। और मुझे इसी भी लोगों के साथ दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।